वेलकम स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर एटीन क्लास नाइन्थ की जो कि है फोर्टीन ऑफ अगस्त की इसके अंदर हम तीनों सब्जेक्ट्स की वर्कशीट देखेंगे पहले मैथ्स फिर साइंस और फिर हिंदी मैथ्स का जो टॉपिक है वो लीनर इक्वेशन का कंटिन्यूशन है जो हम ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर जो टॉपिक इन्होंने दिया है वो है सिंगल वेरिएबल जब दे रखा हो फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको हम किस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं वो देखेंगे तो ग्राफ पे इनको दो तरीके से प्लॉट कर सकते हैं एक, एक प्लेन और दूसरा होता है, नंबर तो ये जो में दिखा रखा है तो हम दोनों तरीके से देखेंगे आइए चलते सीधा बोर्ड की तरफ और ये उसके बाद जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको खुद करके देखें उसके बाद हम देखेंगे साइंस की वर्कशीट वेलकम स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं इन क्वेश्चन को लीनर क्वेश्चन एंड टू वेरिएबल्स का जो क्वेश्चन है उसमें एक के वेरिएबल को किस तरीके से हम ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि इसको हम टू वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं जैसे y है y इक्वल्स माइनस फाइव दे रखा है तो बेसिकली इसके साथ क्या है वन तो इसका मतलब x के साथ क्या होगा ज़ीरो तो ये टू वेरिएबल की फॉर्म हो गई कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसको टू वेरिएबल में कैसे लिखेंगे तो ये आपका फॉर्म हो गया अब जब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें तीन सॉल्यूशन चाहिए होते हैं तो यहाँ पर हम दो तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको एक होता है नंबर लाइन और दूसरा होता है एक्स वाई ग्राफ एक्स वाई ग्राफ तो नंबर लाइन तो इस तरीके से हो जाती है और ग्राफ ये वाला होता है तो इन क्वेश्चन को दोनों तरीके से कैसे प्लॉट करते हैं आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसको मेरे को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है पहले उस पर नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए तो इस नंबर लाइन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वाई तो यहाँ पर हो जाएगा वाई वाई एक्सेस ओके वाई नंबर लाइन तो ज़ीरो वन टू माइनस वन तो जीरो कहाँ है ये रहा तो ये हो गया वाईस टू जीरो खत्म नंबर लाइन पर तो बहुत ही आसान होता है अगर सेम क्वेश्चन एक्स इक्वल टू माइनस थ्री होता तो यहाँ पे वाई एक्सेस की जगह पे मैं एक्स एक्सेस लिख देता वो उसको देखेंगे फिर दोबारा अब इसको उस पर कैसे प्लॉट करेंगे ये और ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे ठीक है ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस ये हो गई वाई ये एक्स डैश वाई डैश ज़ीरो पहले इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं एक्स और वाई बेसिकली यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है ज़ीरो तो वाई की वैल्यू ज़ीरो रहेगी चाहे आप एक्स में कुछ भी डाल लें माइनस वन वन टू कुछ भी डालो ऐसा क्यों क्योंकि इसकी जो टू वेरिएबल्स वाले जो फॉर्म हैं वो ये है अब मैं एक्स के अंदर कुछ भी डालू सपोज करो माइनस वन डाल देता हूँ तो जीरो इंटू माइनस वन क्या होता है जीरो सो वाई की वैल्यू क्या हो गई जीरो तो इसी तरीके से आप चाहे माइनस वन डाल लो चाहे वन डालो चाहे टू डालो फर्क छोड़ना पड़ रहा है तो वो तो जीरो ही हो जाएगा तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वाई को से ज़ीरो दे रखी है तो सेम रहेगी इस केस में y को जो माइनस फाइव है तो माइनस फाइव सेम रहेगा ये चलते हैं इसको प्लॉट कैसे करते हैं अभी मैं फर्स्ट वाला प्लॉट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस वन कोमा जीरो पहले इस पर माइनस वन ढूंढो ये मिल गया और उस पर जीरो जीरो पॉइंट माइनस वन कॉमा जीरो लास्ट वीडियो में देख रखा है वहां पे आप जाके देख सकते हैं वन कॉमा जीरो तो हमारी जो लाइन हो गई वो ये वाली लाइन हो गई ये जो एक्स एक्सिस थी वही लाइन हो गई तो ये नथिंग बट एक्स एक्सिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्स एक्स की एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है वाई इक्व टू जीरो वाई एक्सेस की लाइन क्या है एक्स एक्सिस सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वाई इक्ल्स टू माइनस फाइव तो वाई इक्वेश माइनस फाइव यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ये मैंने ऊपर वैल्यू सेम रखी है अभी मैंने समझा दिया कि ऐसा क्यों होगा तो पहले इसको नंबर लाइन पर देख लेते हैं वाई इक्वेश माइनस फाइव वाई एक्सेस डाला तो ये आपका आंसर हो गया y इक्वल टू माइनस फाइव तो ये आपका नंबर लाइन पर बहुत ही आसानी तरीके से हो चुका है अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफ पे एक्स वाई प्लेन पे तो माइनस तो मा, वन कॉमा फाइव माइनस फाइव माइनस वन कॉमा माइनस फाइव तो ये पॉइंट वन कॉमा माइनस फाइव जेरा टू कॉमा माइनस फाइव जीरा ये, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई नहीं बन गई बन जाएगी तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे y इक्वल्स टू माइनस वाई देखो इसके पैरल है किसके x एक्सेस के ये वाली कौन सी थी x एक्सेस ये क्यों होगी पैरल टू x एक्सेस तो ये आपका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टू एक्स माइनस थ्री वाईस ज़ीरो पहले इसको हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो टू एक्स इक्ल्स टू थ्री एक्स इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू तो थ्री अपॉन टू का मतलब हो गया वन पॉइंट फाइव x का आंसर तो 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 आ रहा है तो यहां पर ये नंबर लाइन पे कैसे बनेगा x एक्सिस लिख देंगे इसको अब यहां के बीच में तो ये रहा तो इसको हम सर्कल कर देंगे यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू वन पॉइंट फाइव बहुत ही आसान है अब x का आंसर वन पॉइंट फाइव आ रहा है तो यहां पे लिख देंगे 1. 5, 1. 5, 1. 5. यहाँ लिख दो जीरो वन टू कुछ भी तो इसको अगर हम प्लॉट कर लेते हैं इस पर वन पॉइंट फाइव देखो वन पॉइंट फाइव हो गया इसके यहाँ पर वन पॉइंट फाइव कॉमा जीरो तो एक लाइन यहाँ पर आ जाएगा वन पॉइंट फाइव कॉमा ज़ीरो ठीक है वन पॉइंट फाइव कॉमा वन तो यहाँ पर आ जाएगा लिख देना वन पॉइंट फाइव काम वन फिर आ जाएगा वन पॉइंट फाइव काम टू यहाँ पर आ जाएगा तो ,2 और ये अगर हम इसको प्लॉट कर देंगे तो ये पहले लाइन आ जाएगी किसके वाई एक्सिस के तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो आपका क्वेश्चन खत्म नेक्स्ट वाला भी इसी में करके दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑल ये सब कुछ रिपीटेटिव है एक्स की वैल्यू क्या है माइनस थ्री तो यहाँ पर हम सब जगह पे क्या रख देंगे माइनस थ्री ठीक है तो यहाँ पे माइनस थ्री को सर्कल कर देंगे यहाँ पे माइनस थ्री पे इस तरीके से लाइन बन जाएगी कैसे बन जाएगी आपको पता ही है यहाँ पे आप प्लॉट कर देंगे जीरो वन टू इनको सर्कल कर दें देखो पैरेलल बन गई तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स इक्ल्स टू माइनस थ्री तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट्स में सर ग्राफ बनाने बिल्कुल ग्राफ बनाने हैं अगर ग्राफ का क्वेश्चन तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा अदरवाइज मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको तो अगर कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अभी के लिए मैथ्स की वीडियो में इतना ही अगली वर्कशीट पर चलते हैं अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें इससे हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा और सब्सक्राइब करें चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो और शेयर करें वीडियोज तो अपने दोस्तों को उनका भी भला होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग आज की हमारी जो एटीनथ वर्कशीट है जिसमें साइंस का टॉपिक है मोलर मास कंटिन्यू हो रहा है तो लास्ट क्लास में लास्ट वर्कशीट में हमने मोलर मास का कॉन्सेप्ट समझा था तो आज हम देखने वाले हैं मोलर मास और मोलिकुलर मास के बीच में डिफरेंस क्या है सो मोलर मास होता है कि एक एटम या कोई भी अगर हम लें लें, या सब्सटेंस ले, उसके अंदर कितने आटम्स आ सकते हैं, उसे कहते हैं उसका मोलर मास तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था ये होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री तो उतने पार्टिकल्स एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक एलिमेंट के अंदर मिलते हैं उसे कहते हैं उसका मोलर मास मोलर मास और मोलिकुलर मास के अंदर बीच में डिफरेंस क्या है मैं सीधा उसको टेबल के फॉर्म में समझा देता हूँ ताकि एक ही बार में एकदम क्लियर हो जाए तो so, ये मैंने एक छोटा सा टेबल बना रखा है सेम वहीं से जो वर्कशीट है वहीं से इंफॉर्मेशन भी ली है मैंने तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है बाकी ये डिफरेंस टेबल के फॉर्म में इसलिए दे दिए ताकि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए तो आप ये points लिख सकते हैं। हैं एक mole का जो मास होता है उसे कहते हैं, molar mass of a substance. और सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है आपका एलिमेंट हो गया या मॉलिक्यूल हो गया या कुछ कोई और सब्सटेंस भी हो सकता है रेफर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं uh, और इसको हम मेजर करते हैं ग्राम स्लैश मोल भी कहते हैं इसको कई बार हम और ये होता है मेजर एटोमिक मास यूनिट जो होता है नेक्स्ट हो गया uh, इसका जो एवेगेड्रो मास है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे तो 6.02 हमें इसका स्पेसिफिक नंबर पता होता है ये डेफिनेट होता है एज इसके अंदर नो मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका डिपेंड करता है मोलिक्यूल uh, के ऊपर यहाँ पे मैंने और भी एक दो पॉइंट दे रखे हैं विद एग्जाम्पल्स आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं ये आपको हेल्प करेगा ये आगे हम आने वाली वर्कशॉप में और ज्यादा इनको डिस्कस करेंगे आइए चलते हैं आगे देख लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं मोलर मास के बारे में फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं मास ऑफ पार्टिकल इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से द मास ऑफ वन मोल पार्टिकल इज 6.022 10 23 जो कि इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास के इसको हम मेजर uh, करते हैं ग्राम में तो ये सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इसको एवेगेड्रो नंबर बोलते हैं जो हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस करा था क्यों बोलते Because जो इनका जिन्होंने फाइंड करा था मोल, मोलर मास के बारे में उनका नाम एवेगेड है द इज सब्सटान जो कि है सिक्स पॉइंट जीरो रहता है चाहे आप कोई भी एटम, कोई भी मोलिक्यूल उठा ले उसका रिलेशनशिप बिटवीन मोल नंबर ऑफ मोल्स एंड मास सो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल मास आ जाता है तो आपको पता है एक मास की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आप जितने मोल्स लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा. तो इसे इन्होंने इसको डिवाइड करके दिखाया बिकॉज इस वर्कशीट में इसको डिवीजन के तरीके से यूज करना है तो आप आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इक्वल्स टू टोटल मास मास बेसिकली गिवन चलते यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी एक बार रीड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए मदद हो जाए मोलर मास ऑफ़ वाटर तो कैसे निकालते हैं एच टू इसका होता है सो टू टाइम हाइड्रोजन एटोमिक मास प्लस वन टाइम ऑक्सीजन तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एटीन ग्राम तो मोलर मास हो गया एटीन ग्राम मोलर मास और मोलिकुलर मास ऑलमोस्ट सेम होता है जी हम पहले भी यहाँ पे पढ़ चुके हैं ये वाले पॉइंट पे तो कंफ्यूज ना हो तो अगला है मोलर मास और वाटर इतना एंड नंबर ऑफ मोल इज थर्टी सिक्स ग्राम तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमने लास्ट वर्कशीट में भी सेम क्वेश्चन था थर्टी सिक्स ग्राम और एटीन ग्राम का हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू मोल्स टू मोल्स के अंदर थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ वाटर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स कितने होंगे कितने में 88 ग्राम ऑफ कार्बन में तो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं तो सीओ टू मास हो गया ग्राम तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए ग्राम तो के अंदर अब टू मोल्स के अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे हमें पता है एक मोल के अंदर पार्टिकल कितने होते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू मोल्स के अंदर होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12.044 10 की पावर 23 बट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था डेसिमल एक के बाद आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसका आंसर होना चाहिए 1.2 044 10 की पावर 24 दैट इज अ एक्यूरेट आंसर ये अभी इतनी डिटेल में नहीं जा रहे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस डिफाइन मोलर मास तो ये हमने स्टार्टिंग ऑफ वर्कशीट में देख लिया था मास क्या है मॉलिक्यूल तो आप ये लिख सकते हैं एंड इट इज मेजर्ड इन ग्राम तो ये जो मार्क करा है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया नेक्स्ट जो आपके पास है सारे के सारे न्यूमेरिकल्स तो आइए चलते हैं 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 इसको हम दिखा देते हैं, करके कि कैसे इनको भी कर सकते सिमिलर है जो मास उसका फोर्टीन, फोर्टीन हो गया, उन्होंने बोला था पॉइंट फाइव मोल का तो ये तो वन मोल का हुआ तो पॉइंट फाइव मोल के लिए हम उसको पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब हाफ तो इसका मतलब फोर्टीन ग्राम इसका आंसर सेकेंड वर्कशीट में ये सारी वैल्यूज -सारी दे रखी हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है बट लॉन्ग टर्म में एग्जाम जरूरी है तो थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम आपका इसका मोलर मास हो गया क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं उन्होंने बोला helium, के अंदर कितने मोल चाहिए होंगे अगर 48 ग्राम ऑफ हीलियम चाहिए तो मोलर मास इन वन हीलियम पे हो गया आपका फोर ग्राम तो नंबर ऑफ मोल्स तो 48 ग्राम डिवाइडेड बाय फोर ग्राम आपको 12 मोल्स चाहिए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर है फाइव मोलर मास ऑफ एस टू एच फोर ओ सी टू एच टू टाइम्स uh, आपको कार्बन का है ट्वेल्व प्लस इंटू वन तो इसको टोटल करेंगे थर्टी ग्राम ऑफ मोलर मास हो जाएगा सी टू एच फोर का इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ जो कि है Hello students. हिंदी की हेलो स्टूडेंट्स आइए अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं ये क्लास नाइन्थ की वर्कशीट एटीन है ये चौदह अगस्त की वर्कशीट है फ्राइडे की तो ये जो वर्कशीट है आपकी इसमें आपको वाक्य और उसके भेद के बारे में बताया गया है आपको बताया गया है सेंटेंसेस क्या होते हैं वाक्य क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं तो सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं तो हमारी बात बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में भाषा कहा जाता है तो जो हम आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की बात जो समझ पाते हैं उसको हम व्याकरण में भाषा कहते हैं तो जब हम बात करते हैं एक दूसरे से वो क्या होता है वो पंक्तियों में होती है हमारी बातें हमारी बातें जो है वो लाइन्स में होती हैं हम सेंटेंसेस बोलते हैं जिन्हें वाक्य कहा जाता है तो कभी एक ये जो वाक्य होता है कभी एक अक्षर का होता है मतलब कि एक अक्षर यूज करके ही एक अक्षर का इस्तेमाल करके ही हम अपनी पूरी बात कह देते हैं कभी ये एक शब्द का होता है यानी एक शब्द कहकर ही हम अपनी पूरी बात कह देते हैं और कभी कभी ये कई शब्दों से मिलकर बना होता है तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको तो अक्षर में जैसे अगर आपको आपने किसी को चेयर पे बैठे हुए देखा और आपने एकदम से बोला ए और हाथ से इशारा किया तो यहाँ ए से ही समझ आ जाता है सामने वाले को कि वो आप हटने को कह रहा है वो कह रहे हैं जगह खाली करो वहीं अगर शब्द का बोले तो अगर आप, आपने कोई फ्रेंड आपका बैठा और आपने एकदम से उसे कहा चलो तो एक शब्द चलो में ही पूरी बात आपने उसे कह दी कि अब टाइम हो चुका है और अब हमें चलना चाहिए वहीं जब ये पूरे कई सारे शब्दों को साथ में मिलकर आप अपनी कोई बात कहते हैं तो उसे भी वाक्य कहते हैं तो वाक्य इस तरह से तीन तरीके से ऐसे बन सकता है लेकिन इन शब्दों और वाक्यों के कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रैंडमली सिर्फ कोई भी लेटर कोई भी अक्षर कोई भी वर्ड ऐसे ही यूज ना करें ये जो होता है इनका मीनिंग जरूर होता है ये अर्थहीन नहीं होते हैं मतलब मीनिंगलेस नहीं होते हैं यदि ऐसा नहीं होगा तो हम आपस की बातचीत में आ, अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक दूसरे के वाक्यों का इन शब्दों का मतलब समझें क्योंकि उसके अंदर उन शब्दों के अंदर कोई ना कोई मीनिंग छुपा है कोई अर्थ छुपा छुपा है कोई मतलब छुपा है तभी हम एक दूसरे की बात समझ पाते हैं तो यहाँ आगे आपको कहा गया है कि जैसे आपका टीचर चलित से आपको कोई साइंस टीचर है और आपको वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी बॉडी कैसे बनी है हमारा शरीर कैसे बना है तो और उस वो कैसे काम करता है तो उसका स्ट्रक्चर ऑफ आर बॉडी समझाने के लिए आपके साइंस टीचर ने ये जरूर बताया हुआ होगा कि ये हाथ है ये पैर है ये नाक है ये कान है और इस ये भी जरूर बताया होगा कि इनके आपस में क्या संबंध है ये आपस में कैसे साथ मिलकर काम करते हैं तभी आप अपनी बॉडी का अपने शरीर की संरचना को समझ पाए होंगे तो उसी तरीके से भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं तो अगर हम भाषा को समझना चाहते हैं तो उसको उसके भी अलग अलग अंग होते हैं जिनसे जुड़कर भाषा जो है वो इस्तेमाल होती है और उन्हीं में से एक अंग है भाषा का वो है वाक्य तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हम समझें कि वाक्य व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की समझ में वाक्य सेंटेंसेस क्या होते हैं तो भाषा ये हमारे बातचीत का सबसे छोटा अंग है वर्ण तो जैसे हमने कहा क का ई आ ये होते हैं सबसे छोटे अंग होते हैं ये वर्ण होते हैं भाषा के फिर वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं तो यही जब वर्ण जो है आपस में मिल जाते हैं तो ये शब्द बनाते हैं जैसे कि क र आ ये सब मिलकर शब्द बनाएंगे करना जैसे कि आप आ, कोई शब्द है आपका ल आ ल च तो ये शब्द बन जाएगा लालच तो इस तरह से वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं अब जब यही जो शब्द हैं ये आपस में मिलकर अगर एक सार्थक रूप ले लेते हैं सार्थक रूप मतलब कि कोई मीनिंग होना चाहिए आप ऐसे ही कुछ तीन चार शब्दों को इकट्ठे नहीं डाल सकते आप ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कि लालच जल चल इसका कोई मतलब नहीं है तो इसीलिए इन शब्दों को आप ऐसे साथ में लाएंगे कि कोई मीनिंग बने कोई अर्थ बने और तब जब आप ऐसा करते हैं तो वाक्य बनते हैं और यही वाक्य मिलकर हमारी भाषा या बातचीत को आपस में एक दूसरे की भाषा को समझने में हमारी मदद करते हैं अब इसी को अगर एक और तरीके से समझाया जाए तो यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो मान लीजिए कि भाषा जो है एक मकान है आपका जैसे घर है या कोई बहुत बड़ा भवन है या कोई मकान है तो भाषा समझ लीजिए वही है तो अब ये वर्ण जो है यहाँ पर ये वर्ण जो है वो आपके मकान की ईंटों की तरह काम करते हैं अब इन्हीं ईंटों को जोड़ जोड़ के अगर बनाया जाए तो वो एक दीवार बनेगी और वो शब्द की तरह काम करते हैं तो शब्द एक तरह से मकान की दीवार है तो वाक्य जो है वो मकान की छत की तरह है तो जब इन तीनों को मिलाया जाता है वर्ण शब्द और वाक्य को तो भाषा नामक एक मकान एक भवन एक घर तैयार हो जाता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य जो है वो सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह है जिससे कोई समझ या भाव या विचार प्रकट होता है तो ये जो है ये वाक्य की डेफिनेशन है तो ऐसे वो मीनिंगफुल वर्ड्स कुछ अर्थ होना चाहिए जिनसे आप कोई कुछ एक्सप्रेस कर पाए अपना कोई भाव एक्सप्रेस कर पाए अपना कोई थॉट कोई विचार एक्सप्रेस कर पाए तो अब वाक्य के तत्व तथा उसके अंग भी होते हैं तो वाक्य के कुछ पार्ट्स भी हैं तो जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है कि आंख नाक मुंह कान हाथ पैर ऐसे ही वाक्य के भी पार्ट्स होते हैं तो वाक्य के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं तो यहाँ पर अगर अपनी वर्कशीट में आप ध्यान से देखेंगे तो वाक्य के दो पार्ट्स लिखे हैं उद्देश्य और विधेय। इंग्लिश में आप उद्देश्य कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को आप कहते हैं प्रेडिकेट तो ऐसे ही आ, हिंदी में आप होता है उद्देश्य और विधेय अब उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए यह मुख्य रूप से करता होता है तो किसी भी वाक्य में जो कोई भी कोई एक्शन कर रहा है जो कोई भी कुछ काम कर रहा है या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो जो मेन इंपॉर्टेंट जो पर्सन है उस सेंटेंस में उस वाक्य में उसे उद्देश्य कहते हैं तो जैसे यहां पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है बच्चे खेलते हैं तो कौन खेल रहा है किसके बारे में बात हो रही है कौन एक्शन कर रहा है यहाँ पर तो बच्चे तो बच्चे जो है वो उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट है इस वाक्य में बच्चों के बारे में कहा जा रहा है अतः बच्चे वाक्य में उद्देश्य या करता है वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है तो अब बच्चे जो भी कुछ कर रहे हैं मतलब कि एक सेंटेंस में एक वाक्य में कर्ता जो भी कुछ कर रहा है या उसके बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो जो वाक्य का बचा हुआ जो भी हिस्सा है उसे विधेय कहते हैं यानी कि इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं तो यहाँ पर एक और आपको एग्जाम्पल दिया है गीता टीवी देखती है तो इसमें गीता उद्देश्य है और टीवी देखती है विधेय है तो आगे इसमें अब ये बताया गया है आपको कि इन्हीं दो आधारों के आधार पर वाक्य जो है वो अ, अलग अलग वाक्यों के भेद भी आपको बताए गए हैं यहाँ पर तो रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद भी किए जाते हैं तो रचना के आधार पर मतलब कि वाक्य बनाए कैसे गए हैं उसके बेसिस पे भी आप बोल सकते हैं कि वाक्य इन 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 तरीकों के हैं या इन प्रकार के हैं और साथ ही साथ अर्थ के आधार पर तो वाक्यों का मतलब क्या निकल रहा है उसके आधार पर भी आप उनको कैटेगराइज uh, कर सकते हैं आप उनकी टाइप्स बना सकते हैं तो रचना के आधार पर वाक्यों को आप किन किन uh, बेसिस पे कितने टाइप्स बता सकते हैं तो आप तीन टाइप्स बता सकते हैं तो रचना के आधार पर पहला टाइप आता है सरल मतलब कि सिंपल सेंटेंसेस मतलब उसमें कुछ नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया गीता टीवी देख रही है ये सिंपल सेंटेंस है एक सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है फिर आ जाता है एक संयुक्त सेंटेंस संयुक्त सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस जिसमें कि दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है जैसे बच्चे खेलते हैं और गीता टीवी देखती है तो बच्चे खेलते हैं एक सिंपल सेंटेंस है गीता टीवी देखती है एक सिंपल सेंटेंस है दोनों को बस सिंपली अगर जोड़ दिया जाए और से या किसी कंजंक्शन से और या इससे किसी से जोड़ दिया जाए तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है वही मिश्रित वाक्य वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जो थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जुड़ते हैं तो उसमें आपको वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर ये जो है ये डिटेल में आपके बाद में कराएंगे तो अभी के लिए आपको बताया गया है इस वर्कशीट में अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं तो अर्थ के आधार पर मीनिंग के बेसिस पर वाक्य के आठ भेद हैं आठ प्रकार हैं। अब वो कौन कौन से हैं तो अब मेन पार्ट पे चलते हैं इस वर्कशीट की तो आगे इस वर्कशीट में ये बताए गए हैं कि मीनिंग के बेसिस पे कितने भाग हैं वो आठ भाग हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट बनाई हुई है ये क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स का बहुत अच्छे से इन्होंने यूज किया है इमोजीज का यूज किया है जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं तो सबसे पहला अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है वो है विधान वाचक विधान वाचक ऐसे वाक्य हैं जिन जिसमें किसी कार्य वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है तो बहुत ही डायरेक्ट सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब बहुत सी सिंपल सेंटेंस सिंपली आपको बस बताया जा रहा है कि ये हो रहा है किसी कार्य के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी सिचुएशन किसी स्थिति के बारे में कि हाँ भाई ऐसा है फॉर एग्जाम्पल बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये सिंपल बस आपको बताया जा रहा है तो ये सिंपल सेंटेंसेस को यहाँ विधानवाचक कहते हैं दूसरा आपका प्रकार है निषेधवाचक तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने अर्थात उसका निषेध होता है तो जिस जिन वाक्यों में ये बोला जाए कि नहीं ये नहीं हो सकता वो वाक्य निषेधवाचक वाक्य होते हैं जैसे कि जैसे कि आप इस इमोजी में भी देख सकते हो ये मना कर रहा है यहाँ पर तो ऐसे ही सेंटेंस का एग्जाम्पल है तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो नहीं जहां आ जाए मतलब वो निषेधवाचक है फिर आ जाता है आपका तीसरा टाइप आज्ञावाचक जिन वाक्यों से आज्ञा उपदेश अनुमति प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं मतलब कि किसी से आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं ये कर लू मतलब अगर आप किसी को बता रहे हैं आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आप बता रहे हैं कि ये करो या नहीं करो ये रिक्वेस्ट है या किसी से रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं तो उस तरह के जो वाक्य हैं वो होते हैं आज्ञावाचक जैसे कि अभी बाहर रुको तो आपने किसी को एक डायरेक्शन दी है एक आदेश दिया है कि ये करो तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वाक्य होते हैं उन्हें आज्ञावाचक कहा जाता है फिर चौथा आता है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सा विस्मयवाचक तो ऐसे वाक्य जिनमें से विस्मय खुशी दुख घृणा आदि का पता चलता है तो बहुत लाउड इमोशंस आपके जिन वाक्यों से पता चलते हैं उन्हें विस्मयवाचक कहा जाता है जैसे कि शाबाश ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो तो जिन वाक्यों में आप ये इमोशन फील कर पा रहे हैं ओ oh नो no, अब मैं क्या करूं हे hey, भगवान मैं अब क्या करूं तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है जिसमें आपके इमोशन बहुत लाउडली चाहे वो खुशी के इमोशंस हो चाहे वो दुख के इमोशंस हो बहुत स्ट्रांगली अगर आ रहे हैं तो उन्हें विस्मयवाचक कहा जाता है अगला है आपका प्रश्नवाचक ये सबसे आसान है जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो जहां पर भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे क्या कोरोना महामारी है तो आप जहां प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्नवाचक है फिर है आपका इच्छावाचक तो ऐसे वाक्य जो आपकी इच्छा दर्शाएं शुभकामना दर्शाएं या आशीर्वाद दर्शाएं जैसे कि अः कुछ ऐसे वाक्य जो ये बताएं कि हाँ मैं ये चाहता हूं या मैं आपके लिए ये कामना रखता हूं या मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा हो तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक होते हैं जैसे कि भगवान आपका भला करे तो एक तरह से ये दिख रहा है कि आप दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं या दूसरे के लिए कुछ अच्छे की कामना कर रहे हैं तो अगला आ जाता है आपका संदेहवाचक इसमें मुझे वा, ऐसे वाक्यों में संदेहवाचक वाक्यों से संदेह संभावना आदि का पता चलता है तो जब आप किसी सेंटेंस में किसी चीज के होने के श्योर नहीं होते हो आपके पास श्योरिटी नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वो डेफिनेट नहीं है तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक होते हैं जिनके होने की पॉसिबिलिटी है थोड़ा डाउट है लेकिन श्योरिटी नहीं है जैसे कि शायद आज धूप निकले तो आपको पता नहीं है निकल भी सकती है नहीं भी निकल सकती तो ऐसे जो वाक्य है वो संदेहवाचक होते हैं फिर लास्ट आ जाते हैं आपका टाइप संकेत वाचक तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो ये जो होते हैं ये वो एक्चुअली uh, इंग्लिश में इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है तो इनमें एक काम तभी हो सकता है जब दूसरा काम पूरा हो तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिन जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं इस तरीके से तो वो संकेतवाचक कहलाते हैं जैसे कि यदि परिश्रम करते तो फेल ना होते तो अगर तुम परिश्रम करते अगर तुम हार्डवर्क करते तो तुम फेल नहीं होते तो एक दूसरे पे ये कनेक्शन बैठा हुआ है यहाँ पर एक होगा तभी दूसरा होगा इसीलिए ये जो वाक्य है ये संकेतवाचक है तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसके बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है तो आपकी एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों के सामने उसके भेद लिखिए तो आपको यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उसके सामने आपको ये बताना है कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है क्या भेद है इस वाक्य का तो पहला जल्दी से पढ़ लेते हैं गंगा हिमालय से निकलती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिंपल डायरेक्ट सेंटेंस है तो ऑब्वियसली ये कौन सा सेंटेंस होगा ये सेंटेंस होगा विधानवाचक वाक्य तो अब अगला देख लेते हैं अगला सेंटेंस है आपका क्या शिखर क्रिकेट खेलता है बहुत ही सिंपल है ये सेकंड वाला ऑब्वियसली यहां क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या होगा प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य अब अगले पे चलते हैं तीसरा क्या है आपका तीसरा वाक्य है आपका यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती तो अगेन यहां पर क्या हो रहा है यहां पर अगर एक एक्शन होगा तभी दूसरा एक्शन हो पाएगा तो इसलिए यहां पर क्या होगा कौन सा वाक्य है ये जी हाँ तो ये तीसरा वाला आपका है संकेतवाचक वाक्य अब चलते हैं आपके चौथे वाक्य पर आपका चौथा वाक्य कहता है अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है तो यहां पर क्या हो रहा है एक इमोशन बहुत लाउडली आपका दिख रहा है तो ऑब्वियसली चौथे सेंटेंस में क्योंकि ये इमोशन इतना लाउडली दिख रहा है इतने अच्छे से पता चल रहा है तो ये है वाक्य वाक्य अब आगे चलते हैं आपके पांचवे पर पांचवा वाक्य आपका कहता है वह अभी आता ही होगा तो यहाँ पर वो आता ही होगा आपको श्योरिटी नहीं है आपको ये संभावना है कि अभी आने वाला होगा तो ये कौन सा वाक्य आएगा आपका पांचवा सेंटेंस आपका।, पांच आपका बन जाता है संदेहवाचक वाक्य तो अब चलते हैं आपके छठे वाक्य पर आपका छठा वाक्य कहता है कई दिन से धूप नहीं निकली है बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि यहां पर शब्द है नहीं मतलब कि नहीं हुई है ये चीज तो इसलिए ये जो वाक्य है ये निषेधवाचक वाक्य बन जाता है अगला अब चलते हैं आपका सातवा वाक्य सातवा वाक्य आपका कहता है आपकी यात्रा सुखद हो अब क्योंकि इस वाक्य में कुछ आप किसी के लिए इच्छा कर रहे हैं या कुछ उन्हें कामना कर रहे हैं उनके लिए तो फिर आप ऐसे में क्या वाक्य बन जाता है ये जी हाँ तो सेवेंथ वाला बन जाता है आपका इच्छावाचक वाक्य बहुत ही सिंपल सा है अब चलते हैं आखिरी वाले पे आखिरी वाक्य आपका कौन सा है करीम फुटबॉल खेलो अब आप यहां पर किसी को डायरेक्शन दे रहे हो किसी को ऑर्डर दे रहे हो किसी को आज्ञा दे रहे हो तो कौन सा वाक्य बन जाता है ये हाँ आज्ञावाचक वाक्य तो ये आपका पहला प्रश्न था यहां पर अब चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर तो दूसरा प्रश्न आपका यहाँ कहता है आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें से वाक्य के भेदों को छाट कर लिखिए तो आप ये अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि ये आपको करना है या नहीं करना है अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से ये करना पड़ेगा कि भाई आपकी परिवार में क्या बातचीत हुई उसके थोड़े चार पांच आप सेंटेंसेस लिख लीजिए और जो भी सेंटेंसेज में वो बातचीत हुई उनके आप फिर इन्हीं जो हमने इस वर्कशीट में आपको समझाया है उसकी प्रैक्टिस करते Way, आप उनके भेद लिखिए उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं इस चैनल को लाइक like और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो को अच्छा से पूरी तरीके से देखिए तभी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा वाक्य और उसके भेदों के बारे में तो आज के लिए इतना ही है थैंक यू